आज का हमारा टॉपिक है इरोजनल लैंडफॉर्म्स। स्टार्ट करने वाले हैं इरोजनल लैंडफॉर्म कौन बनाता है, ग्राउंड वाटर। रनिंग वाटर के लैंडफॉर्म्स हमने पढ़ लिए, सेकंड टॉपिक ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर जो लैंडफॉर्म्स बनाता है उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला लैंडफॉर्म जो बनाएगा इरोजनल, पहले हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिपोजिटल लैंडफॉर्म्स के बारे में। इरोजनल में सबसे पहले जो लैंडफॉर्म्स हमारे पास आए हैं वो आए हैं पूल्स, सिंक होल्स, लैपिस, लाइमस्टोन पेवमेंट्स। बहुत ज्यादा कुछ वो मत होना, इजी इजी है, समझा दूंगा, अभी सब बता दूंगा, याद हो जाएंगे अच्छे से, इस तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 7 है, लैंडफॉर्म के अंदर एवोल्यूशन, चैप्टर का नाम है क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी, ठीक है। मेरा नाम अंकुर कौशिक एंड यू आर ऑल आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का बोलती है। एनसीईआरटी बोलती है स्मॉल टू मीडियम साइज राउंड टू सब राउंडेड सैलो डिप्रेशन कॉल्ड सैलो होल्स। स्मॉल टू मीडियम साइज किसके कंपैरिजन में स्मॉल टू मीडियम बोल रहा है ये भी अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। स्मॉल टू मीडियम साइज राउंड टू सब राउंडेड शैलो डिप्रेशन, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, मान लीजिए सरफेस है इस तरीके का गड्ढा है, थोड़ा सर्कुलर है, मोर लेस सर्कुलर है, राउंडेड और सब राउंडेड, ठीक है। शैलो डिप्रेशन ज्यादा गहरा नहीं है, इनको हम शैलो हॉल्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, फॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ लाइमस्टोन थ्रू सोल्यूशन। ये लाइमस्टोन वाले जो रीजन है उनके सरफेस पर बनते हैं, किस वजह से बनते हैं, सॉल्यूशन के थ्रू, प्रोसेस इनका सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो तीन बातें बता दी, इनका स्ट्रक्चर बता दिया, शैलो है, राउंडेड है या सब राउंडेड है, बहुत ज्यादा गहरे नहीं है, ठीक है, साइज स्मॉल टू मीडियम है, और कैस कहां बनते हैं लाइमस्टोन रीजन में, कास्ट टोपोग्राफी है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है इनका सॉल्यूशन, थ्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, देखिए ये हमारा सरफेस था, कभी ये हमारा पूरा का पूरा सरफेस था, पानी ऊपर से गिरा, वो नीचे बहने लगा, नीचे जाने लगा, ऑब्वियसली बात है रिस्क ही नीचे चला गया। जब वो गया तो इन में लाइमस्टोन था, लाइमस्टोन को अपने साथ नीचे ले गया, तो वो लाइमस्टोन वाली जगह तो खाली हो जाएगी, वहां पे बन गया गड्ढा, है ना। वो गड्ढा अगर स्मॉल टू मीडियम साइज का और ज्यादा गहरा नहीं है तो उसको हम स्वेलो होल बोलते हैं, बस इतना याद रखना है, डेफिनेशन इसके लिख दिए, याद आपको करनी है, इतना याद रखना है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वेलो होल्स हमारा हो गया, ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया, ये स्वेलो होल्स कुछ नहीं है, बस लाइम पानी जमीन के ऊपर पानी गिरा, वो लाइमस्टोन अपने साथ नीचे ले गया, तो जिस जगह पर लाइमस्टोन था वहां पे गड्ढा बन गया गोल, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सिंक होल पर। सिंक होल क्या होता है, तो क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, अ सिंक होल इज एन ओपनिंग मोर और लेस सर्कुलर। सिंक होल जमीन के सरफेस पे एक ओपनिंग है, एक गड्ढे जैसी है, ठीक है, जो कि मोर और लेस सर्कुलर है, लगभग लगभग गोल कह सकते हैं, एट द टॉप टॉप पर, ठीक है, एंड फनल शेप टुवार्ड्स द बॉटम, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगी तो फनल शेप होती रहती है इस तरीके से। हमारा सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक क्या है, ओपनिंग है ये, जो ऊपर से तो राउंड दिखती है लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो फनल शेप होती जाती है इस तरीके की, नीचे इसकी जो जो इसकी विड्थ है कम होती जाएगी, समझ गए। विथ साइज वेराइंग इन एरियाज फ्रॉम फ्यू स्क्वायर मीटर टू हेक्टेयर, क्या बोल रहा है, इनके साइज जो है, इसका साइज फ्यू मीटर का भी हो सकता है और कुछ हेक्टेयर का भी हो सकता है, मतलब इतने बड़े आपके एक हाथ की लंबाई जितनी होती है उतने बड़े से लेकर के और आप जिस घर में रह रहे हैं उससे भी बड़ा हो सकता है, समझ रहे हैं, हेक्टेयर। आगे आइए, विथ डेप्थ फ्रॉम लेस देन हाफ ए मीटर, इतनी गहराई भी हो सकती है, टू 30 मीटर, लगभग लगभग 100 फीट भी हो सकती है और मोर उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो स्वेलो होल्स के बारे में, सिंक होल्स के बारे में हमें पता चल गया कहां पे बनते हैं, लाइमस्टोन रीजन में बनते हैं, कास्ट टोपोग्राफी। एक बात मैं सिंक होल के बारे में बता दूं, सबसे ज्यादा कॉमन जो लैंडफॉर्म बनता है कास्ट टोपोग्राफी में वो हमारा सिंक होल ही है, याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यहां पर मैंने लिखा लिख देता हूं, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, ठीक है, याद रहेगा, कास्ट टोपोग्राफी सबसे ज्यादा कॉमन यही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंक होल इस तरीके का होता है। अब ये भाई साहब सिंक होल भी दो तरीके के होते हैं, ऐसे नहीं है एक ही जैसे नहीं होते, दो तरीके के होते हैं, कैसे, पहला क्या होता है, सम ऑफ दीज फॉर्म सॉलिड थ्रू सॉल्यूशन एक्शन,
कुछ सिंक होल तो सिर्फ सॉल्यूशन एक्शन से बनते हैं, मतलब अरे यार सॉल्यूशन मतलब बताया ना, लाइमस्टोन जब पानी में डिजोल्व होता है होता रहेगा, ऊपर का हुआ नीचे जाता रहेगा जाता रहेगा, ये गहरा होता रहेगा, बात खत्म। विड्थ इसकी कम होती रहेगी लेकिन गहरा होता रहेगा, ये हमारा सॉल्यूशन सिंक होल है नॉर्मली जो बनता है, जो कि पानी का जब किसी रीजन में पानी गिरता है, पानी में लाइमस्टोन डिजोल्व होता है और पानी लाइमस्टोन को अपने साथ ले जाता है, वो जगह खाली हो जाती है। किस शेप में खाली होती है? फनल शेप में खाली होती है, ये मैंने बता दिया, उसको हम सिंक होल कहते हैं, ये सॉल्यूशन सिंक होल कहलाया जाता है। ये सिंक होल किस लिए बना? क्योंकि ये सॉल्यूशन के प्रोसेस से बना, सॉल्यूशन का प्रोसेस मैं समझा चुका हूं आपको, इसलिए इसको सॉल्यूशन सिंक होल बोलेंगे, ठीक है। सम ऑफ द सॉलिड फॉर्म थ्रू सॉल्यूशन सिंक होल, उनको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन सिंक्स बोलते हैं, याद रखना है सॉल्यूशन सिंक्स, इनको हम जो सॉल्यूशन के थ्रू बनेंगे। एंड अदर्स माइट स्टार्ट एज सॉल्यूशन फॉर्म, जो दूसरा टाइप है वो भी स्टार्ट तो सॉल्यूशन की तरह ही होगा, बट फर्स्ट एंड इफ द बॉटम ऑफ द सिंक होल फॉर्म्स द रूफ ऑफ अ वॉइड और केव अंडरग्राउंड, इट माइट कोलैप्स लीविंग ए लार्ज होल ओपनिंग इनटू द ए केव और वॉइड बिलो द कोलैप्सिंग। ये समझे? बता देता हूं, देखो क्या ये सिंक होल है हमारा, सॉल्यूशन सिंक होल बन गया हमारा, ये हमारा सॉल्यूशन सिंक होल बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ये फर्स्ट स्टेज है। कभी कभी क्या होता है, इस सिंक होल के नीचे एक केव होती है, यहां पे केव है, समझ गए, यहां पे एक केव है। अब ये केव भी उसी वजह से बन सकती है, कास्ट टोपोग्राफी की वजह से बन सकती है, या वैसे क्या पता पहले से ही हो, पत्थरों में पहली सी जगह हो सकती है, हमें नहीं पता। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ये तो पानी जा ही रहा है नीचे, या वजन इसमें जाता है, कई बार पानी भी भर जाता है, भर भी जाता है, तो इस वजह से क्या होगा, अगर उस केव की रूफ और जो सिंक होल का बॉटम है, जो सिंक होल का बॉटम है वो किसी केव की रूफ है, ये रीजन कभी कभी कोलैप्स कर जाता है, कभी कभी ढह जाता है। मान लीजिए ढह गया, मैं आपको फिर से एक बार, ये मान लीजिए इस जो सॉल्यूशन सिंक है इसकी ये रूफ है, इसके यहां बॉटम है, और ये जो बॉटम है ये पूरा इस तरीके से यहां पर मिट्टी मिट्टी है, ठीक है, ये सब है, ये जो बॉटम है ये किसी रूफ की टॉप है, लेकिन किसी भी रीजन से सॉल्यूशन ओवर हो रहा है उसकी वजह से, या किसी भी रीजन से ये कोलैप्स करके नीचे गिरी, ये जो मिट्टी बीच का, ठीक है, तो क्या होगा, अब ये सॉल्यूशन सिंक, अभी हमारी सिंक बनी है, इस सिंक में एक केव की ओपनिंग भी है। कई बार आपने देखा होगा ना कि हम यहां से गुफा से जाते हैं और वहां जाके 1 किलोमीटर दूर निकले ऊपर कहीं सरफेस पे, वो यही मामला है, ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है हम यहां पे थोड़ा सा पानी दिख रहा है उसके अंदर गए, पता चला कि नीचे तो बहुत ज्यादा कहीं और बाहर निकले 2-3 किलोमीटर दूर। अब ये केव, ये मान लीजिए इस केव में तो पानी है, कहीं से भी आ रहा होगा, अंडरग्राउंड वाटर है ना, वो पानी फिर यहां से निकलेगा, यहां जो पानी गिरेगा वो भी तो केव में जाएगा, ये पहले भी जा रहा था थ्रू परकोलेशन, अब फिर जाएगा, तो अब तो डायरेक्ट ही जाएगा, तो यहां से एक ओपनिंग बन जाती है केव के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोलैप्स सिंक बोलते हैं, ठीक है। बनते स्टार्टिंग में सॉल्यूशन सिंक की है, लेकिन वो सॉल्यूशन सिंक किसी केव के ऊपर जब बनती है और बीच की जो जगह है वो गिर जाती है, वो हट जाती है, तो उसको हम कोलैप्स सिंक बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हमारा भी हो गया स्वेलो होल्स हो गया, सिंक होल हो गया, सिंक होल के दोनों टाइप्स हो गए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या पता दिया एनसीईआरटी, चलिए अब यहां पे एक सिनेरियो आया है, क्या आया है, क्वाइट ऑफन कभी कभी क्या होता है, जो हमारे सिंकहोल्स हैं आर कवर्ड विद सॉइल मेंटल, उनके ऊपर सॉइल के परत जम जाती है सिंकहोल्स के ऊपर, ठीक है, एंड अपीयर शैलो वाटर पूल्स, और ऐसा लगता है कि वो थुथले मतलब कम गहराई वाले वाटर पूल्स हैं, पानी के तालाब है, छोटा कम गहराई है, हम क्या करते हैं कूद पड़ते हैं तैरने के लिए, जगह सुंदर तो होती है, कास्ट टोपोग्राफी है, कास्ट टोपोग्राफी देखने बहुत सुंदर होती है, तो लोग क्या करते हैं वो तुरंत एकदम कूद जाते हैं, लेकिन एनीबडी स्टेपिंग ओवर सच पूल्स वुड गो डाउन लाइक क्विक सेंस इन द डेजर्ट, लेकिन ऐसे पूल्स में जो कोई घुसता है वो नीचे चला जाता है लाइक जैसे कि दलदल होता है ना डेजर्ट में, उनकी तरह। क्यों होता है ऐसा, मान लीजिए हमारा सिंक होल है, ठीक है,
थोड़ा फनल शेप में है, थोड़ा चलिए छोटा कर देते हैं, और ये हमारा सिंक होल है, ठीक है। अब इसके नीचे रॉक्स हैं, उनमें भी लाइमस्टोन था, उनका भी तो पानी, उनमें पानी जा रहा है, लाइमस्टोन उनसे भी निकल रहा है, तो ये ढीले हो जाते हैं कई बार। अब सपोज कीजिए रॉक्स ऑलरेडी ढीले हैं, इनके नीचे फिर केव भी है ना, तो क्या होगा, जैसे कोई इनमें उतरेगा लगेगा कि 4-5 फीट ही है ना, इनके ऊपर जम गई मिट्टी, पता नहीं चलता, कोई उनके ऊपर उतरेगा लगेगा 4-5 फीट ही, जैसे पैर रखेगा तुरंत नीचे, है ना, तो ये बता रहा है ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक है। एनसीएलटी बता रही है कि इस तरीके से कई बार हो जाता है कि वो लगते हैं कि शैलो हैं, लेकिन अंदर क्या होता है, उनके रॉक्स ढीले वगैरह होते हैं, या कई बार मिट्टी जम जाती है, मिट्टी जो होती है, मिट्टी जम भी जाती है तो वो बहुत ही ढीली होती है खुद ही, क्योंकि मिट्टी यार मिट्टी अभी भी जमी है कुछ सालों में, है ना, और वो ठीक से सेटल नहीं हो पाई है, गीली है, ऐसे पानी परकुलेट हो रहा है, तो वो दलदल की तरह बन जाती है, उसमें आप जैसे जाओगे तुरंत नीचे धस जाओगे, ठीक है। चलिए तो ऐसी जगह पर कहीं भी जाओ देख के जाना, क्या कह रहे हो, हम नहीं जाते, चलो अच्छी बात। द टर्म डोलाइन, अभी कुछ एक दो फैक्ट्स बता रहा है कि टर्म आई है डोलाइन, इज समटाइम्स यूज टू रेफर टू कोलैप्स सिंक्स, हम कभी कभी कोलैप्स सिंक्स को डोलाइन भी बोल देते हैं, ठीक है, ये तो पढ़ा भी बता ही दिया था। नेक्स्ट आ जाओ, सोल्यूशन सिंक्स आर मोर कॉमन देन कोलैप्स सिंक्स, कोलैप्स सिंक्स कम मिलते हैं, सोल्यूशन सिंक ज्यादा मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्वाइट ऑफन द सर्फेस रन ऑफ सिंपली गोज डाउन द स्वेलो एंड सिल्क होल्स एंड फ्लो एज अंडरग्राउंड स्ट्रीम एंड इमर्ज री इमर्ज एट अ डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम थ्रू ए केव। क्या कह रहा है ये मान लीजिए एक हमारा रीजन है, ठीक है, कास्ट टोपोग्राफी, यहाँ पे कहीं कहीं पे हमारे सेलो होल्स बने हुए हैं, राउंड है थोड़ा, मैंने चौकोर बना दिया, हमारे सेलो होल्स बने हुए हैं, कहीं कहीं पे हमारे सिंक होल्स बने हुए हैं, ठीक है, फिर सिंक होल बन गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक सेलो बन गया, इस तरीके से इसको भी थोड़ा राउंड कर देते बेचारे को, रोएगा नहीं तो, ठीक है, ये हमारे बना हुआ है। इन सब से जो पानी जाएगा वो नीचे इकट्ठा होगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे पहले वर्टिकल मूवमेंट हुई पानी की, अब यहाँ पे इकट्ठा हो गया तो अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी, किसी भी तरफ हो सकती है, दोनों तरफ भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, दोनों तरफ भी हो सकती है, पानी अंदर ही एक स्ट्रीम की तरह बहता रहेगा, अंडरग्राउंड स्ट्रीम की तरह। और जब कहीं केव होगी कोई, मान लीजिए यहाँ पे केव है, इस केव तक पहुंच जाएगा, इस केव का भी लाइमस्टोन खा जाएगा, है ना, और फिर इस केव से निकलेगा। कभी कभी आपने देखा हो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि पहाड़ों के बीच में केव होती है, उसमें कहीं से एकदम से पानी निकल रहा होता है, हमें पता नहीं चलता, लोग घूमने जाते हैं ऐसी जगहों पर, है ना, वो यही है, इसी तरीके से पानी कहाँ से आता है, ऊपर से आ रहा है, अंडरग्राउंड वाटर ही जो कहीं ना कहीं से बाहर निकल रहा है, जिसको निकलने का रास्ता मिल जा रहा है, ठीक है, लाइमस्टोन रिच वाटर होता है वो, समझ गए, तो समझ गए यहाँ पे इसने क्या समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है ये, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा, वैली सिंक्स, वैली सिंक्स, या जिनको हम कभी कभी यू वालाज भी बोल देते हैं, ठीक है, ये कैसे बनते हैं, ये कह रहा है व्हेन सिंक होल्स, सिंक होल जो होते हैं एंड डोलाइंस, डोलाइंस जो हमारे कोलैप्स सिंक्स, जॉइंट टुगेदर, ये जॉइंट टुगेदर कर लेते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, टू बिकॉज ऑफ स्लंपिंग ऑफ मेटेरियल, मेटेरियल की स्लंपिंग, मेटेरियल के छितर बितर हो जाने की वजह से, या खराब हो जाने की, या उसका मतलब डिग्रेडेशन हो जाता है मटेरियल का, बता रहा हूं अभी समझा रहा हूं, टेंशन मत लेना। अलोंग देयर मार्जिन और ड्यू टू रूफ रूफ कोलैप्स ऑफ केव्स, लॉन्ग नैरो टू वाइड ट्रेंचेस कॉल्ड मरीन वैली सिंक्स एंड उलावास फॉर्म। होता क्या है, फिर से दोबारा से एक लैंडफॉर्म हमारा आ गया, ये हमारा लैंडफॉर्म है, ठीक है, इसके ऊपर सिंक होल्स भी बने हुए हैं, और ये मैं सिंक, इसको हम स्वेलो पूल्स मानते हैं, इसको सिंक होल मानते हैं, इसको सिंक होल, इसको स्वेलो पूल, कुछ भी मान लो, कैसे भी मान लो, ठीक है, इस तरीके से सिंक होल वगैरह बने हुए हैं अलग अलग जगहों पे, धीरे धीरे इनकी चौड़ाई बढ़ रही है, या ये दीवार कई बार गिर भी जाती है, जो बीच में जो थोड़ा मटेरियल बना है ये गिर भी जाता है, तो ये सब क्या होता है, ये सब धीरे धीरे ये एक हो जाते हैं, इस तरीके से मिल जाते हैं, ये इस तरीके से ये पूरी एक ट्रेंच बन जाती है, ये चौड़ी भी हो सकती है और नैरो भी हो सकती है, डिपेंड करता है सिंक होल्स कितने हैं, अब मान लीजिए साइड्स में भी सिंक होल्स हैं, यहां भी सिंक होल्स हैं, तो ये भी मिल जाएगा इसमें थोड़े टाइम बाद, ये यहां से मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए यहां भी सिंक होल है तो ये भी इसमें मिल जाएगा,
तो ये इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो इसकी जो वो है, क्या बोलते हैं, इसकी जो विड्थ है वो नैरो भी हो सकती है और ये काफी बड़ी भी हो सकती है, चौड़ी भी हो सकती है। देयर मार्जिन ड्यू टू रूफ कोलैप्स, या कई बार क्या होता है, इन सिंक होल्स के नीचे केव है, वो केव गिर गई, वो छत गिर गई उसकी, तो ये सारे सिंक होल्स फिर दोबारा एक ट्रेंच बन गई। होता अल्टीमेटली यही है। एक बार दोबारा इसको दूसरे तरीके समझा देता हूँ क्या होता है। मान लीजिए ये है, ये यहाँ पे हमारा सिंक होल है, यहाँ पे हमारा ये है, यहाँ पे सिंक होल है, यहाँ पे हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है, इन सब के नीचे एक केव है। अब ये केव गिर गई तो यहां से लेके यहां तक पूरी एक खाई बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, है ना। ये भी एक तरीका होता है वैली सिंक के बनने का। तो वैली सिंक कैसे बनते हैं, बहुत सारे सिंक होल्स या जो हमारे स्लो पूल्स हैं या जो डोलाइंस हैं, जब वो एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, उनका डिग्री इरोजन होता रहता है समय टाइम के साथ साथ, तो वो एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, तो एक लंबी रिज बना देते हैं। वो रिज नैरो से काफी चौड़ी तक हो सकती है उसकी चौड़ाई, विड्थ काफी ब्रॉड भी हो सकती है उसकी, क्योंकि बहुत सारे सिंक्स अगर मिल जाएंगे, ऐसे भी मिलेंगे और ऐसे भी मिलेंगे, तो वो कई बार बहुत चौड़ी भी हो जाती है, ठीक है, उसको हम वैली सिंक्स बोलते हैं या वाला बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहां तक आई होप सब कुछ समझ आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, इसी तरीके से होता रहता है, सिंक होल बने, सिंक होल में फिर वैलीज बनी, वैली सिंक्स बनी, तो वो क्या, वही एक स्ट्रक्चर बड़ा हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनके बड़े हो गए। अब क्या होगा, अब वो वैलीज भी बड़ी हो रही है, क्या होगा, ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द लाइमस्टोन इज ईटन अवे, जो भी सर्फेस है लाइमस्टोन का सारा खा लिया जाएगा बाय वाटर, वाटर नीचे जाता जाता जाएगा, सारा वो लेता जाएगा अपने साथ लाइमस्टोन, बाय दीज पिट्स, ये गड्ढे ट्रेंचेस और जो ट्रेंचेस हैं, लिविंग एक्सट्रीमली इरेगुलर विद ए पॉइंट ऑफ मेज ग्रूव्स एंड रिजेस और लैपिस। क्या होता है, मान लीजिए सरफेस है, एक वैली सिंक यहां बन गई, एक वैली सिंक यहां बन गई, एक वैली सिंक यहां बन गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये वैली सिंक ब्रॉड हो रही है, इनके बीच का जो जगह थी वो कम होती जा रही है, इस तरीके से ये थोड़ा और खिसक जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, ठीक है। तो अब बीच की जगह कम हो गई है, टेंशन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बीच में जो स्ट्रक्चर बच जाता है रिजेस जैसा, इनके बीच में क्या है, बीच में तो ये जगह तो खाली हो चुकी है, ये जहां पे ये बीच में जगह खाली हो चुकी है, अब यहां पे ये रिजेस बची, ये बाहर बच गया है, पतली पतली किनारे दीवारें बच गई हैं, क्योंकि बाकी सब तो चौड़ा हो रहा है, बाकी जो वैलीज थी वो तो चौड़ी होती जा रही है ना, वैलीज चौड़ी हो गई है, तो बीच की जगह थी वो पतली होती जा रही है, तो रिजेस जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैपीज, इनको हम लैपी बोलेंगे, अभी लैपीज भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये बनती कैसे है, स्पेशली दीज रिजेस और लैपीज फॉर्म ड्यू टू डिफरेंशियल सॉल्यूशन एक्टिविटी अलोंग पैरेलल टू सब पैरेलल जॉइंट्स। क्या होता है, जो रीजन में वैली बनी है वहां पे लाइमस्टोन जल्दी सोल्यूबल सोल्यूट जल्दी सोल्यू डिजोल्व हो गया वाटर में, जल्दी उसे सोल्यूशन बना लिया, यहाँ पे जो ये ब्लैक वाला हिस्सा है यहाँ पे नहीं बनाया जल्दी से, यहाँ पे क्या थोड़ा टाइम लगा रहा है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा रहा है, तो ये अभी भी खड़ा हुआ है, रिजल्ट बन गई है यहाँ पे, ठीक है, ये रीजन जो है ये ऐसे कैसे खड़ा हुआ है, सख्त लौंडा है, ये हिल नहीं रहा अपनी जगह से, ठीक है, बाकी जो लाइमस्टोन था वो चला गया डिजोल्व होकर के, ये रीजन है, टाइम के साथ साथ अब ये भी खराब हो जाएंगे, सब पैरेलल टू सब पैरेलल जॉइंट्स है, लंबा लंबा पैरेलल ही होते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे टाइम के साथ द लैपी में इवेंचुअली टर्न इनटू समवट स्मूथ लाइमस्टोन पेमेंट, अभी लैपीज भी क्या है, ये भी धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएंगी या गिर जाएंगी, ठीक है, या तो डिजोल्व होकर पानी के साथ चली जाएंगी, अगर इनमें लाइमस्टोन होगा, अगर नहीं होगा तो धीरे धीरे गिर जाएंगी, इरोजन होता रहेगा इनका, तो क्या होगा, ये पूरा एक लाइमस्टोन पेमेंट जैसा बन जाएगा, एक मैदान टाइप का बन जाएगा, ठीक है। अब फिर दोबारा मैदान तैयार हो गया, फिर दोबारा सिंक होल्स बनेंगे, पानी पड़ेगा, नीचे लाइमस्टोन होगा, लाइमस्टोन रीजन है, लाइमस्टोन रीजन तो ही वो, अब फिर दोबारा से सिंक होल बनेंगे, वैलीज बनेंगी, फिर दोबारा लैपीज बनेंगी, और फिर दोबारा वो प्लेन होता चला जाएगा, उस तरीके से वो रीजन जो धीरे 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 नीचे आता रहेगा, ये इसका तरीका है इरोजन होने का उस जगह की। इस इन सब ये सब जो स्ट्रक्चर्स है ना, लैंडफॉर्म्स है, ये एक्चुअली स्टेजेस हैं इरोजन के,
पहले सैलो सिंक बना, फिर बड़ा वाला सिंक पूल्स बना, फिर केव में वो मिल गया, कोलैप्स केव बनी, कोलैप्स सिंक होल्स बने, फिर क्या होगा, फिर वो बन गई हमारी वैली, वैली बन गई, वैली सिंक बन गई, वैली सिंक के बाद फिर लैपीज बनी, और ज्यादा चौड़े हो गए ट्रेंचेस, रिजेस रह गई छोटी छोटी, अब वो भी खत्म हो गई, तो फिर दोबारा से प्लेन मैदान बच गया। ठीक है, तो लाइमस्टोन रीजन यहां तक खत्म हो गया। अगला जो आ रहा है लाइमस्टोन, सॉरी लाइमस्टोन में ये जो हमारे पूल्स थे, सिंकोल से लैपिस और लाइमस्टोन पेमेंट्स हमारा खत्म हो गया। अगला टॉपिक हमारा आ रहा है केव्स, कल हम पढ़ेंगे केव्स के बारे में, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो होगी हमारी केव्स के बारे में। ये भी एक कास्ट टोपोग्राफी के अंदर ही आता है, ग्राउंड वाटर के ही बनाता है इसको। अब आपको कैसे बनाता है पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ आ गया है। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।